नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आदित्य कुमार है। मैं एशियन सिटी हॉस्पिटल पाटलिपुत्र कॉलोनी में कार्डियोलॉजी विभाग में कार्यरत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि त्योहारों का मौसम अब चला गया और वातावरण में ठंड बढ़ती जा रही है और सर्दियों में हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। इसमें भी सबसे ज़्यादा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना और हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन का होना, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब ये क्यों होता है? एक तो हम व्यायाम कम कर देते हैं, हम घर के अंदर ही रहते हैं ज़्यादा टाइम। दूसरी जो रक्त ब्लड प्रेशर है, हमारी हृदय की धमनियाँ वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण रक्तचाप भी बढ़ जाती है। तो इन दोनों कारणों के कारण जो है वो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो हम कैसे इससे बचाव करें, और अगर कोई भी दिक्कत हो जैसे कि छाती में दर्द, सांस फूलना, चक्कर आना, तो इन जो भी सिम्टम्स हैं इनको हम नेग्लेक्ट ना करें। किसी भी पेशेंट जो पहले से हृदय रोग हो या कोई नया पेशेंट हो, उनमें अगर ये दिक्कतें हो, वो भी अगर या युवा आजकल हम देख रहे हैं कि यंग एज में पेशेंट्स को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कोई भी पेशेंट हो उनमें अगर ये दिक्कतें आ रही हैं तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुरंत ही हमारे हॉस्पिटल पे संपर्क करना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल की एम्बुलेंस 24/7 सुविधाएं दे रही हैं। दूसरा, इनसे बचाव कैसे करें? अपने हार्ट की प्रॉपर जांच कराते रहें, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन तीनों की कम से कम साल में 2 दफ़ा जरूर जाँच कराएँ। और अगर कोई भी पहले से किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज है तो वो ECG, इकोकार्डियोग्राफी और TMT इन जांचों के लिए भी जा सकते हैं। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को अचानक से छाती में दर्द हो तो वो क्या करें? कभी कभी बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास जो इस दर्द को गैस का हल्का सा दर्द मान के इग्नोर कर देते हैं और बाद में वही जाके जानलेवा साबित होता है। तो सबसे पहले हमें, अगर किसी पेशेंट को छाती में दर्द हो रहा हो तो अपने निकटतम हॉस्पिटल, अगर आप लोग इस हॉस्पिटल के आसपास रह रहे हैं तो हॉस्पिटल में आके जल्दी से जल्दी ECG कराएं और आगे की जांच अपने डॉक्टर से दिखाएं। दूसरा चीज, अगर किसी पेशेंट को पहले से हार्ट अटैक हो चुका है, उनमें दोबारा अटैक आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, तो उनको अपना नियमित जांच टाइम टू टाइम कराना चाहिए। और हमारे यहाँ कैथ लैब 24/7 कार्यरत है। हम एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, पेसमेकर इम्प्लांटेशन, BMV, ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो अगर किसी पेशेंट को कभी भी अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो हम पहले घंटे, जो कि जिसको गोल्डन आवर बोलता है, उसके अंदर हम अगर ट्रीटमेंट इनिशिएट करते हैं तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। और उसी पहले घंटे में अगर हम एंजियोप्लास्टी कर दें और जो रुकी हुई धमनी है उसको खोल दें तो पेशेंट का जो हार्ट है वो जल्दी रिकवर होता है। तो इस चीज़ को समझना पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि हार्ट अटैक वाले पेशेंट टाइम को ना वेस्ट करें, जितनी जल्दी हो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और हमारे हॉस्पिटल में तो 24/7 ये होता है सारा जो भी प्रोसीजर्स, तो यहाँ पर सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि प्लीज़, अगर किसी पेशेंट या आपके रिश्तेदार या आपके पड़ोसी किसी को भी ये लक्षणें हैं तो उनको तुरंत हॉस्पिटल भेजें और उनके हार्ट को प्रोटेक्ट करें। थैंक यू।